साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की संसद समय चर्चा बनी हुई है, कारण सत्र चल रहा है और सत्र के साथ यहां पर चल रही है बयानों की जोरदार प्रहार। कारण राहुल गांधी ने कल तमाम तरह के बयान दिए, उन्होंने अडानी और नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री, उनके रिश्ते को लेकर बात कही, अग्निवीर योजना को लेकर बात कही। कहा गया कि ये योजना आरएसएस ने थोपी है और अजीत डोभाल जो कि मुख्य रक्षा सलाहकार है उनके द्वारा ये थोपी गई है देश में, जबकि सेना की ये योजना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर कर आए हैं, कहीं ना कहीं ये देखने को लग रहा है कि विपक्ष मुखर हो चुका है। भाई अगर देश के विपक्ष की बात करें तो देश का विपक्ष फिलहाल कांग्रेस पार्टी ही मजबूत रूप से है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने ही दशकों हमारे देश पर राज किया है। तो अगर राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के साथ साथ अगर मुख्य विपक्ष देखें केंद्र में, तो कांग्रेस का ही नाम आता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसका एक सकारात्मक परिणाम ये नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के स्वर हैं वो मुखर हो गए हैं, और मुखर ऐसे कि वो लगातार प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बात और कही, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धार्मिक संत ना बताते उनको कहा एक मामूली ठग है, क्योंकि अगर वो संत होते तो जो प्रदेश में वो कर रहे हैं वो नहीं करते, अगर धर्म को समझते तो शायद इस तरह की उनकी कार्यवाही नहीं होती जिस तरह की वो एक तरफा कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति अभिभाषण में जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है वो यहां बातें कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जिनको पता ही नहीं है कि आज भारत का जो स्तर है वो कहां पहुंच चुका है, उनको पता ही नहीं है कि भारत में कितने लोगों को यहां हमारे द्वारा तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को तीसरी बार किसान सम्मान निधि पहुंच चुकी है, उनको पता ही नहीं है कि विश्व परिदृश्य में जो काम यूएन द्वारा केवल 4.5 करोड़ लोगों के लिए कहा गया था या किया गया था वो काम हम विगत 2.5 सालों से 80 करोड़ की जनता के लिए लगातार करते चले आ रहे हैं। शायद विपक्ष को सरकार की कार्य योजनाओं का और सरकार की क्षमताओं का पता ही नहीं है, इस कारण विपक्ष यहां पर गैर बुनियादी आरोप सरकार पर लगा रहा है। खैर, अगर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पे बयान की अगर अलग भी कर दे, अडानी के रिश्ते वाले बयान को अलग कर दे, तो जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया है, कहीं ना कहीं वो बयान भी अब चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा भी उनको कहा गया कि राहुल गांधी वही है जो कृष्ण और राम का जो अस्तित्व है उसको नकारने वाली पार्टी से है। और ऐसा नहीं राहुल गांधी का पहला बयान है, इसके पहले भी तमाम तरह के बयान वो दो चुके हैं, जहाँ पर अगर बयान की बात करें नवंबर 2021 में उन्होंने बयान दिया था कि हिंदुत्व और हिंदू दोनों अलग हैं। इसके अलावा अगर बात करें बयानों की, 2 अगस्त 2014 में उन्होंने बयान दिया था कि जो हिंदू मंदिरों में जाते हैं वो वहाँ छेड़खानी करने जाते हैं, ना कि पूजा पद्धति करने। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का पहला बयान है, इसके पहले भी राहुल गांधी तमाम तरह के तरह बयान दे चुके हैं। खैर, चूंकि भारतीय लोकतंत्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिलहाल वहाँ पर केवल धार्मिक मुद्दे और बयानबाजी का दौर जारी है, फिलहाल जनता के लिए यहाँ पर मुद्दों की बात कोई करता नजर नहीं आता। सत्ता पक्ष अपनी तारीफ करता है तो वही विपक्ष यहाँ पर गैर बुनियादी मुद्दों को सरकार को घेरता नजर आता है। मैपुर चर्चा से मैं मेहमान जुड़ चुका रूबरू करा लू, वेव श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से जय प्रकाश पांडे पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपसे उनके फायरमैन प्रवक्ता विनय पटेल पर पक्ष रखेंगे, युवराज सिंह यादव कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और दिलीप यशवर्धन राजनीति विशेषज्ञ रूप में पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विवेक श्रीवास्तव से, विवेक भाई, भाई क्या दिक्कत है यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बयान दे रहा है, क्या मानते हैं 24 की तैयारी पूरी हो गई है, यात्रा करके आया है तो लगता है ज्यादा मुखर हो गया, और निश्चित रूप से ये मुखरता विपक्ष में आनी चाहिए, पर शायद अगर ये मुखरता जनता के मुद्दों के लिए आए या जनता के लिए संघर्ष करने धरातल पर आए तो शायद ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, जब से राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा पूरी करके आए, जोड़ो यात्रा
ठीक है, वो कहते हैं भारत जोड़ो, लेकिन भारत टूटा कब था कि जो जोड़ने गए और जहाँ उनके जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रदेश में परमिट की व्यवस्था बना के दी थी और जिस परमिट की व्यवस्था को हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तोड़ा था जी, और जहाँ तिरंगा लहराने के बारे में जी लोग कहते थे कि यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, अच्छा उसी प्रदेश में तिरंगे के साथ वो प्रवेश किए जी भारतीय जनता पार्टी के शासन की बदौलत, अच्छा और तिरंगा लेकर के पूरा कश्मीर उन्होंने नापा, अच्छा उनको भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए, हालांकि धन्यवाद देने के बजाय वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और किस किन मौकों पे किस किस तरह की बातें वो करते हैं, तो इससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उनके लिखने वाले कौन है या उनका ज्ञान कहाँ तक है। कभी वो कहते हैं कि हिंदू मंदिरों में जो लोग जाते हैं छिड़खानी के लिए जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग चीज है, कभी यही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है, कहती राम का अस्तित्व नहीं है, कोई काल्पनिक पात्र है। अच्छा, और उसी क्रम में जिस तरह से उन्होंने हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में टिप्पणी की है वो बहुत दुखद है। अच्छा, और उनको मामले ठग बता दिए। होता क्या है कि इस पे अच्छा एक स्लोगन है कि जो जैसा होता उसको दुनिया उसी तरह से नजर आती है। ठग है क्या कि खुद पूरा कांग्रेस का जो कैरियर है, जो चरित्र है, हाँ। वो घोटालों का है। अच्छा, इन्होंने हमेशा जनता को और ठगने का काम किया है। ठीक, इनके राज में जिस झोपड़ी में राजू गांधी जी झांकते थे उसी झोपड़ी में राहुल गांधी जी भी अपने विदेशी मित्र के साथ फोटो खिंचाने जाते थे। अच्छा, कभी गरीब की झोपड़ी पक्के घर में तब्दील नहीं हुई। अच्छा, महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी। अच्छा, कभी गरीबों के घर बिजली नहीं पहुंची जी, कभी गरीबों को यहाँ को गैस सिलेंडर देने की बात कांग्रेस नहीं सोची। कांग्रेस के शासन में गैस सिलेंडर लेने के लिए सांसद जी के पीछे दौड़ करके कूपन लेना पड़ता था। अच्छा, तब जाके कहीं गैस सिलेंडर मिलता था। अच्छा, यही सरकार है गौरव जी, जी यही यही गैस कंपनियां हैं और यही कस्टमर है, यही यही सब कुछ है। अभी कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन्हीं गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लोग गैस सिलेंडर के लिए परेशान रहते थे। अच्छा, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं कोई लाइन नहीं लगती, गैस घर घर पहुंच रहा है, महंगी हो गई, जो जब चाहता जाकर के ले आता है। महंगी कर महंगी क्यों हुई उसका तो ऑयल बांड का एक विषय है, जब कभी इस पर चर्चा करिएगा विस्तार से तो विषय उठा दूंगा, वो भी गड्ढे कांग्रेस की सरकार खोद के गई है ऑयल बांड का, विषय अलग है, वो आपके डिबेट से विषय अलग हो जाएगा। अच्छा, चल, राहुल गांधी का जो मानसिक दिवालियापन है, अच्छा, जिस तरह से वो यात्रा करे, कभी टी शर्ट में रहे, उन्होंने ये यात्रा करे टी शर्ट पहने या भगवा पहने, उससे क्या दिक्कत है भाई? हम कहते हैं वो भी उतार के करे, हमें कोई दिक्कत, ये आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, उनके टी शर्ट पहनने कोट पहनने से आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट्सएप पे तमाम सारे जोक चल रहे थे कि इस बार हारे तो पैदल घूम रहे हैं, अगली बार 24 हारेंगे तो क्या लेट के यात्रा करेंगे, उसी में किसी ने कमेंट किया था अगली बार टी शर्ट उतार के घूमेंगे, ये सब तमाम तरह के जोक चलते। खैर, ईडी ने जब से बुलाया तब से कांग्रेस वाले इतने उद्वेलित हुए कि लगे पैदल घूमने। अच्छा, और पैदल घूम करके भी उन्होंने क्या सीखा? यही कि संत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना। अच्छा, आज भी इतना ही भारत भ्रमण के बाद जी, अगर वो यही सीख पाए इतने लोगों से मिलने के बाद कि एक गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर के प्रति उनके क्या शब्द हैं, उनको मामूली ठग बता रहे हैं एक संत शिरोमणि को, तो अब उनके ज्ञान, उनके अनुभव और उनकी यात्रा पे स्वमेव प्रश्न लग जाता है। अच्छा, लोग देशाटन करते तो उससे कुछ सीखते हैं। अच्छा, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए लेकिन उस उन्होंने इस दौरान क्या सीखा कि एक संत को, गौरक्ष पीठाधीश्वर को मामूली ठग बता रहे हैं। अच्छा, और खुद अभी उनसे पूछ लीजिए भाई आपका धर्म क्या है, तो बता नहीं पाएंगे। कभी कहेंगे कि हमारा गोत्र दत्तात्रेय है, कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय बताया भाई। हाँ, बताने से, और जब आप उसको, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयप्रकाश जी बैठे ब्राह्मण वर्ग से हैं, इन्हीं से पूछ लीजिएगा कि किस खांचे में राहुल गांधी का गोत्र जाति जाके सेट होती है, क्या धर्म बनता है। जहां तक मेरी जानकारी है उनके बाबा हुजूर इलाहाबाद में लेटे हुए हैं पारसियों के कब्रिस्तान में। अरे ये कौन सी बात है, क्या बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उनके बाबा फिरोज गांधी पारसियों के कब्रिस्तान में इलाहाबाद में लेटे हुए हैं। आनंद भवन से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन जब प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी जाते तो वहां जाने की हिमाकत नहीं कर पाते। अच्छा,
जयप्रकाश जी भी काफी जीवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीता हुआ, खूब अच्छी तरह जानते हैं कि वहां कहां लेते हुए हैं। वो सपा से क्यों बोले? सपा से है, बोले ना बोले, लेकिन ब्राह्मण है और कुलीन ब्राह्मण है, तो ये तो जातिगत व्याख्या तो कर ही सकते हैं कि कौन हिंदू है कौन पारसी है। अगर हिंदू है तो किस जाति कुल से है, इतना तो इनको बतौर ब्राह्मण बताने का अधिकार प्रकृति ने दिया, उसमें हम आप टिप्पणी करने वाले कौन है? सपा भाजपा कांग्रेस की सीमा से इनका ये अलग है कि बता सकते कि भाई यहाँ तुम हिंदू हो या नहीं हो, हिंदू हो तो किस। अच्छा, हम देख रहे हैं विगत कई दिनों से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है अडानी अंबानी को वाले मुद्दे को लेकर, इसके अलावा आरएलडी कल प्रदर्शन किया है, कांग्रेस भी लगातार आपके खिलाफ मोर्चा बना रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती तैयार हो रही है। कहीं ना मानते जी विपक्ष मुद्दाहीन है। अच्छा, मुद्दाहीन है, शस्त्रहीन है, शस्त्रहीन है, विपक्ष को के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, एक उद्योगपति जो भारत का प्रमुख उद्योगपति है, जिसको 1994 में मुद्रा पोर्ट कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार में दिया गया चलाने के लिए, उसको ये कहते हैं कि साहब वो मोदी जी का मित्र है। 1994 में क्या मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे? अच्छा, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। क्या बात। और ये सब लोग जानते हैं बंदरगाह एयरपोर्ट ये सब भारत सरकार का विषय होता है, इसमें राज्य सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। 2008 में भी उद्योगपति थे, उसके पहले भी उद्योगपति थे। जब मुद्रा एयरपोर्ट उनको चलाने के लिए दिया था 1994 में, तब उनकी बैलेंस शीट मांगी थी क्या कांग्रेस सरकार ने? अच्छा। और आज इस सदन में उस व्यक्ति के ऊपर चर्चा चाहते हैं, पूछते हैं खड़गे साहब कि व्यक्ति 8 साल में कि पहले इतने बड़े अरबपति नहीं थे, जब से मोदी सरकार आई है तब से विश्व में दूसरे नंबर पे आ गए, क्या कर दिया? उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ जी। खड़गे साहब सदन में ये पूछते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में पूछते हैं कि सरकार ये बताए कि कैसे वो 8 साल में इस नंबर से इस नंबर पे आ गया। अब विषय ये है गौरव जी कि 1994 में कांग्रेस सरकार में उसको मुद्रा पोर्ट चलाने के लिए दिया गया, और मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, 94 से 14 का फासला बता दीजिए कितना हुआ। उस 20 साल में जब उसको 94 में बोल्ट दिया था, तो उसके पहले क्या वो हल चलाता था? अच्छा, उसकी क्रेडेंशियल क्या थी, उसको क्या देख के पोल चलाने दिया था? और आज जब आप ये पूछ रहे हैं, तो ये किस हैसियत से सदन में उससे सरकार से पूछ रहे हैं? आपको उसकी बैलेंस शीट के बारे में संदेह, आप इनकम टैक्स के पास जाइए, इनकम टैक्स में आरटीआई दाखिल कीजिए, उसकी बैलेंस शीट ले आइए, उसका अध्ययन कर लीजिए, सेबी है, तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो उसके ऊपर वॉच करने के लिए हैं। आप किस हैसियत से भ्रम फैला रहे हैं कि साहब निवेशकों का पैसा डूब गया? ना तो LIC ने अपने किसी निवेशक को लौटाया, ना SBI ने अपने किसी निवेशक को लौटाया, ना खुद अडानी ने अपने किसी निवेशक को निराश किया शेयर बेचने से। अभी कल की रिपोर्ट, उसके शेयरों की कीमत 20% बढ़ गई। शेयर, मैं बार बार कहता हूँ, शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है, शेयर उतरते चढ़ते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। ठीक है। इसके लिए आप अडानी के अप एंड डाउन के लिए सरकार से। अच्छा, अडानी के नाम पे आप लोगों को दिक्कत होती है? हमें क्या दिक्कत है, देश के उद्योगपति। अब राहुल गांधी कल कह रहे हैं साहब वो जहाँ बांग्लादेश गए तो वहां पे उनको ये काम मिल गया, ऑस्ट्रेलिया गए उनको ये काम मिल गया। ये गौरव जी पुरानी परंपरा है कि राष्ट्राध्यक्षों के साथ उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल हर विदेशी दौरे पे जाता है, और ये जाहिर सी बात है कि उद्योगपति जाएगा तो उद्योग लगाने की गरज से ही जाएगा, व्यवसायिक कार्यों से जाएगा, वो हज करने नहीं आता राष्ट्राध्यक्ष के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, हज करने तो गया नहीं है। ठीक है, तो जब जिस कार से गया उसको मिल रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें पूर्व में भी होती रही, परंपरा है। अमेरिका के भी राष्ट्रपति आते तो उनके साथ वहां के व्यवसायियों का, उद्योगपतियों का और सीईओज का एक शिष्टमंडल आता है। ये विश्व की परंपरा है। अब इस प्रश्न का अगर ये प्रश्न अगर कांग्रेस के युवराज उठा रहे हैं, तो इसको मैं उनका मानसिक दिवालियापन कहूं या देश को गुमराह और भ्रम डालने की साजिश कहूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रवक्ता कांग्रेस युवराज सिंह यादव क्या कहेंगे विवेक भाई के सवाल पर कि मानसिक दिवालिया हो गए हैं राहुल गांधी, उनको पता ही नहीं क्या कह रहे हैं जी? ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अभी सवाल कर रहे थे जी कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है उसके साथ उद्योगपति जाते हैं, देखिए ना हम उद्योगों के खिलाफ है और ना हम किसी उद्योगपति के खिलाफ है। क्या बात। हम खिलाफ बस इस बात के हैं कि आप पूरे देश की पूंजी सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले कर देना चाहते हैं, हम इस बात के खिलाफ है। अच्छा, हम कहते हैं भाई कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए अदानी जी को ऑस्ट्रेलिया में कांटेक्ट मिल गया। अच्छा। मोदी जी बांग्लादेश गए, मोदी जी बांग्लादेश में कांटेक्ट दिलवा के आ गए। अच्छा। मोदी जी श्रीलंका गए,
अदानी जी को श्रीलंका में बिजली का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अच्छा मोदी जी इसराइल गए, अदानी जी को इसराइल में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। चलो अगर ये सब छोड़ भी दें, लेकिन एक रूल होता है, रूल क्या कहता है कि जिसके पास अगर किसी का अनुभव नहीं है तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिला सकते। बिल्कुल, भाजपा के प्रवक्ता बना दे कि अदानी के पास के कोई भी रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड या रक्षा उपकरण से बनाने संबंधी कोई अनुभव था भाजपा सरकार के पहले, और जब नहीं था तो ज्यादातर जो अभी रक्षा उपकरण आ रहे हैं इसराइल से उनमें अदानी का कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे अदानी को मिले। जी मैं इसके बहुत विनम्रता से उत्तर दूंगा, बहुत विनम्रता से युवराज जी को मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। एक मिनट का समय दीजिए, बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था, एक मिनट का इसे उसका उत्तर ले लें, फिर मैं आपको फिर मैं सुनूंगा। इसका उत्तर लेते जाइए, आप लगातार इसका एक मिनट उत्तर ले लीजिए। जो आपने प्रश्न उठाया है रक्षा सौदों को लेकर के, रक्षा की जैसे टेक्नोलॉजी में अडानी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसका उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए, एक मिनट उत्तर ले लीजिए, उसका उत्तर लेते चलिए। दूसरे चरण में लगे हाथ लेते चलिए, उधार नहीं लगाता, नहीं हो जाएगा। अरे युवराज जी एक मिनट लेते, बिल्कुल गलत बात है। भारत कांग्रेस शासन काल में कितने प्राइवेट कंपनियों को आप रक्षा उपकरण बनाने के लिए कार्यालय नहीं है, आप के समय में एक गोला गोला बीजेपी कार्यालय नहीं है भाई, डीआरडीओ बनाने मत करिए भाई, आपका कार्यालय नहीं है, प्राइवेट कंपनी को कभी भी सरकार बनाने के लिए मत कीजिए। सर ठीक है, अरे भाई बारे बोलेगा, अपने बारे में बोलिए भाई, बिल्कुल गलत बात है, बोले 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 युवराज सिंह यादव बोलिए, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या है, भाजपा में आज इनके नेता चाहे नरेंद्र मोदी जी भी हो, वो जनता की नहीं सुनते, वो अच्छा। भी मन की बात करते, और अच्छा। वही आदत इनमें भाजपा की जितने प्रवक्ता है उनमें भी है, अच्छा तो ये सुनना नहीं चाहते, अच्छा। अभी ये 10 मिनट से बोल रहे थे, मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, क्योंकि ठीक है चलिए आप सहमति असहमति हो सकती है और ये होता है डिबेट में, और डिबेट करने का तरीका होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी पार्टी के प्रवक्ता है तो आप बोलने ना दें। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, पूरा पूरा मौका आपको, बोलिए। हाँ मैं मुद्दों की बात करता हूँ जो इन्होंने उठाया, उन मुद्दों की बात करता हूँ। जैसे इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने वाली बात जी। अरे भाई आप इतिहास पढ़े जरा, जम्मू कश्मीर में नेहरू जी ने 1947 में तिरंगा फहरा दिया था, अच्छा है ना, और आप जो कह रहे थे कि जो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिला था, अरे गठबंधन आपने किसके साथ किया था वहां पे, उसने किसके साथ अपने जम्मू कश्मीर में जाके सरकार बनाई थी भाई, जो कहते हैं कि वहां तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा और भाजपा जाके उन्हीं के साथ गठबंधन में सरकार बनाती है, अच्छा। और फिर भी ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, अच्छा। इन्होंने गैस सिलेंडर की बात की कि गैस सिलेंडर के लिए अब लाइनें नहीं लगती, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि आप समझिए इसको कि जो चीज पहले 400 में थी आपने आप उसको 1100 में कर दी भाई, उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। इस देश में जो किसान है, किसान की दैनिक आय 27 रुपए है, आप कहते हो कि वो 1100 के सिलेंडर के लिए भाई लाइन लगाए, इनका जो ज्ञान है इस ज्ञान को प्रणाम है, अच्छा। क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि भाई गैस के लिए लाइन नहीं लगती, कल इन्होंने रोडवेज का 25% किराया बढ़ा दिया, फिर ये कहेंगे कि नहीं और सरकारें थी तो रोडवेज बहुत खरके चलती थी, अब रोडवेज बहुत खाली चलती है, अरे रोडवेज खाली नहीं चलती है या गैस के लिए लाइन लगना बंद नहीं हुई, आज आपने लोगों की जेब पर डाका डाला है, आज अच्छा। लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा है अच्छा। इसलिए लाइनें नहीं लग रही है, ठीक है ठीक। आज सदन में जब मोदी जी गए जी। तो उम्मीद थी कि वो महंगाई को लेके बोलेंगे, उम्मीद थी कि वो बेरोजगारी को लेके बोलेंगे, उम्मीद थी कि वो जो प्रेस का स्वतंत्रता सूचकांक है उसको लेके कुछ बोलेंगे, लेकिन वो आज जो 9 साल की परंपरा है कि वो गए और भाषण देके फिर से वापस आए, उसी परंपरा को उन्होंने जारी रखा। और अभी ये बात कर रहे थे योगी जी की, अरे राहुल गांधी जी ने किसी का अपमान नहीं किया, अच्छा। उन्होंने सिर्फ आईना दिखाया योगी जी को, अच्छा। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, उत्तर प्रदेश में आप मंत्री मामूली ठग है क्या, नहीं सकते, अरे मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को मामूली ठग बोलना, ये कहाँ का आईना है। मैं उसी पे आ रहा हूँ फिर आप ये तय कर लेना कि कौन है जी। मैं बता रहा हूँ आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, आज उत्तर प्रदेश की हालत है कि आप सरकार के खिलाफ लिख नहीं सकते, अच्छा। आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, अच्छा। अगर आप सरकार के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप पे यात्रा नहीं निकलती क्या, आपको सरकार यात्रा नहीं निकालने देती है, उत्तर प्रदेश में आपकी भारत जोड़ो यात्रा नहीं आई थी, बागपत सामने गाजियाबाद में यात्रा नहीं आई थी, अरे आप कल देख लीजिए ना, हाँ कि कल जब धरना प्रदर्शन हो रहा है, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपने कहा ना कि आप विरोध आम आदमी पार्टी विरोध नहीं करती क्या, देखिए हर हफ्ते में 4 विरोध दिख जाएंगे आपको जी।
मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, जो हाँ। विरोध प्रदर्शन करते हैं उनपे खिलाफ कार्रवाई देखिए ना कि जी, कितनी उनपे लाठियां खा रहे हैं वो तो लाठी खाए बिना सत्ता कैसे कितने मिलेगी लोगों भाई? कितने लोगों पे मुकदमे लेके जा रहे हैं देखिए ना। तो लाठी डरते हैं क्या आप लोग? संविधान, अरे कांग्रेस वाले लाठी डरने लगे क्या अब? अरे सुनिए ना, डरते होते तो मैं डिबेट में क्यों आता? बिल्कुल बोलिए। मैं डिबेट में कांग्रेसी होने के नाते ही आया, बिल्कुल, और कांग्रेसी होने के नाते ही मैं बोल रहा हूँ जी, बोलिए। ये जो जो चीजें हैं अनैतिक रूप से ये चल रही हैं, ना ये संविधान से तर्कसंगत है और ना ही इनकी अनुमति कोई धर्म देता है। और इसी के लिए राहुल गांधी जी ने जो आईना दिखाया भाजपा को, वो भाजपा को आज से मिर्ची लग रही है। लेकिन ये हकीकत है, आपकी जब इमेज धुंधली दिखने लगे तो कभी चेहरा साफ करने की कोशिश करिएगा। हमेशा कांच को दोष नहीं दिया विवेक भाई, हमेशा कांच को दोष नहीं देंगे, ठीक है? अभी अगला टर्न होगा। प्रवक्ता सपा जयप्रकाश पांडे भाई, आप लोग क्या कहेंगे? हालांकि आपके एक नेता सुनील सिंह साजन ने कहा है कि राहुल गांधी अपने इस बयान के बाद चौतरफा घेर गए हैं, ये जरूर कहा उन्होंने। कैसे देखते हैं इस बयान को? निश्चित रूप से क्या इन बयानों की जरूरत है? और जिस तरह से संसद में हाय हल्ला हो रहा है, जनता के मुद्दे नाराज़ हैं और यहाँ पर केवल केवल बात हो रही है धार्मिक बयानबाजी की, और सभी लोग एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। जयप्रकाश जी, कैसा राय है आपकी? देखिए, सदन में राजीव गांधी, अरे सॉरी, राहुल गांधी जी का जो भाषण था, एक तो केंद्रीय सरकार और मोदी जी अडानी के रिश्ते को लेके, दूसरा स्तर योगी जी के कमेंट पर भी है जी। आज उनका भाषण निश्चित रूप से एक परिपक्व नेता का था। अच्छा, और उसको ध्यान से अगर सुना जाए तो संसदीय तारीख में राहुल गांधी ने जितने भी भाषण दिए हैं, ये भाषण उनका निश्चित रूप से ऐतिहासिक, यानी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से लाभ मिला है। भारत जोड़ो तो अलग है। अच्छा। उनका भाषण अगर ध्यान से सुन लीजिए तो ये भाषण खुद उनके ही नीतियों को भी कटघरे में खड़ा करता है। अच्छा। क्योंकि इस भाषण की आत्मा समाजवादी थी। अच्छा। और उसमें अगर जो हमारा विकास का रास्ता उदारवाद के बाद बाजार पे केंद्रित हो गया था, उसके जो अंतर विरोध है वो सतह पे दिख रहे हैं। अच्छा। समृद्धि जरूर आई है भाई, इस कोरोना काल में भी जितना संख्या हमारे अरबपतियों की हुई 166 से ऊपर हो गई, और जो बीपीएल के बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को मनमोहन सिंह के उदारवाद से थोड़ा बहुत लाभ मिला था, 27 करोड़ लोग ऊपर उठे थे। अच्छा। उसमें लगभग 20 करोड़ को फिर पीछे ढकेल दिया गया। अच्छा, अच्छा। और हमारा 10 करोड़ का किसान परिवार है जो 27 रुपया प्रतिदिन पे गुजारा कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के गांवों की दशा ये हो गई है कि एक अगर सांप्रदायिक एंगल से हिजरत हो जाती है तो कैराना कहीं उसको बड़ा मीडिया हाइप दे देती है, लेकिन अच्छा। वास्तविकता ये है कि जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर 2020-21 की रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो केवल उत्तर प्रदेश से हर 16वां ग्रामीण मतलब व्यक्ति माइग्रेट करके, वो भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्शन में नहीं जाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जो बड़े महानगर है वहां स्लम में जाके बड़ी जलालत वाली जिंदगी वो मतलब कहिए कि जी रहा। तो राहुल गांधी अगर उस ओर इशारा कर रहे थे कि जो हमारा विकास है, मैं इसके पहले डिबेट में आपको भाजपा के थिंक टैंक का एक उदाहरण दिया था कि दीनदयाल जी कहा करते थे, लोहिया जी की तो बात ही छोड़िए, हम लोग तो समाजवादी है ही है। अच्छा। ये खुद कितना भटके हैं। अच्छा। दीनदयाल जी कहते थे कि बहुत उत्पादन बहुत लोगों द्वारा उत्पादन। अच्छा। भारत का कोई थिंक टैंक, केवल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल जी, लोहिया, हमें बता दीजिए जो ये कहा हो कि भारत का विकास जो हो वो केंद्रीकृत होगा जी। कुछ व्यक्तियों का विकास भारत का विकास नहीं है, नहीं है। तो बहुत उत्पादन, और मोदी जी ने यह परिवर्तन कर दिया है कि बहुत उत्पादन मतलब अडानी द्वारा उत्पादन। अच्छा, अभी तो अडानी पे आ गए। उसके उसके साक्ष है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़िए और बाकी आंकड़े जो दिए उस तो बहुत डिटेल है। अच्छा। या कोई विश्लेषक होगा तो वो आपको बताएगा। तो बैठे हुए हैं, जो देखिए जो समस्या है उसको समझना पड़ेगा जी। और मैं इसके पहले बड़ा डिटेल डिबेट में आपको बता चुका हूं कि जिनका ये नाम लेते हैं ना, तो अगर एक्सप्रेसवे का नाम लेते हैं निश्चित रूप से है, लेकिन जब इन्हीं का आंकड़ा बताता है कि एक्सप्रेसवे पे केवल 6% जनता चलती है, 83% जनता जिला सड़क पे चलती है, और जिला सड़क के हाल आप देख लीजिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके जो भी होल्डिंग लगती है, जो हमने किया है, हकीकत आकर देखेंगे। उज्ज्वला, जिसका आप अभी एलपीजी का जिक्र कर रहे थे, एलपीजी का इन्हीं का जो चंद्रशेखर जी नीमच में एक आरटीआई डाले थे, उसके अकॉर्डिंग ये आया है कि 3,59,00,000 जो एलपीजी कनेक्शन धारी लोग हैं वो एक साल रिफिल ही नहीं कराए, और 1,20,00,000 लोग साल भर में एक सिलेंडर लिए। जब पीसीआई प्रति व्यक्ति आय 27 रुपया है, तो वो आदमी सिलेंडर खरीदने की स्थिति में है। वो आदमी अगर आप नाब द्वारा सर्टिफाई मतलब जो चिकित्सा की इंटरनेशनल
इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट इशू होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल की, जैसे यहाँ मेदांता है। तो अब सवाल है कि 27 रुपया वाला वहां इलाज करा पाएगा? तो हमारे जिला अस्पताल, जिला सड़क, जिला स्तर के विद्यालय और गरीबों की जो बुनियादी चीजें हैं वो खराब हुई हैं। ये इनके आंकड़े जितने कहिए हम दिखा दें। हाँ, अमीर भारत दिख रहा है, तो मैं पहले भी कहता था कि इंडिया और भारत में जो खाई दिखी है, सुनिए आप योगी जी का भी सुन लीजिए, जल्दी सुना दीजिए। ये बड़ा बढ़िया के विवेक भाई की हम उधार नहीं रखते, तो योगी बाबा का उधार तो हम चुका ही दे। तो देखिए ये है कि योगी बाबा निश्चित रूप से हमारा जो दल है, नेताजी को जिन जिन उपाधियों से इन लोगों ने नवाजा है, मुल्ला मुलायम सिंह और खुद नेता सदन योगी जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के पिताजी को अब्बा जान कहे, रिकॉर्ड है सदन। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति संत होके सबसे ज्यादा असंसदीय भाषा और सबसे ज्यादा विपक्ष के लोगों का चरित्र हनन करता है, तो वो आदरणीय योगी जी करते हैं। और क्यों विरोध किए हैं वो दो कारण जान लीजिए। अच्छा। भारत की जो संत परंपरा है जिसका ये लोग कसीदा पढ़ते हैं, तो भारत में संत और सत्ता पृथक पृथक चीज है। अच्छा। तुलसीदास को मनसबदारी अच्छा। देने रहीम और मानसिंह पहुंचे थे, तो उन्होंने उसे लानत मारते हुए कह दिया कि अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। कुंभन दास कहते थे संतन को कहां सीकरी सो काम। मुसलमानों के भी जो दरवेश हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया कहते थे कि हमारे घर में दो दरवाजे हैं, एक से सुल्तान आता है, मैं दूसरे से बाहर चला जाता हूं। और इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि हिंदुत्व की संत परंपरा को जितना अपमान और जितना ज्यादा घातक प्रहार योगी ने इस कार्य ये आते, भगवान राम जब अयोध्या के राजा बने तो निश्चित रूप से भगवा ड्रेस त्याग दिए, राजा थे तो राजा के रूप में। अच्छा। आप वही सरकार अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, जो भी आदित्यनाथ लिखते हो या अजय सिंह बिष्ट लिखते हो उसके रूप में आप गद्दी बैठ जाते कालीदास मार्ग पे, हमारी भावना आहत नहीं होती। लेकिन निश्चित रूप से संत होके आप जो ये कार्य कर रहे हैं, इससे हिंदुत्व की सनातन परंपरा अपमानित हुई है। अब वो ठग कहना कांग्रेस के लोगों से पूछिए, नहीं कहूंगा, लेकिन ये गलत है जी। एक सवाल रहेगा, आपने अभी इतनी बातें कही, जिला अस्पताल, जिला सड़क, तमाम आपने बातें कही, तमाम कमियां हैं और किसान 27 रुपए प्रतिदिन की आगे साथ जी रहा है। पर जब मुद्दे की बात होती है, समाजवादी पार्टी में केवल रामचरित मानस पे बात चल रही है, ये मुद्दे आपने सुना? अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा। अच्छा सुनिए, अरे और तो सुनिए, जो संघ इतने दिनों के तपस्या के बाद इनको इस लायक बना दिया कि ये सत्ता में आ गए, भाजपा के सत्ता सत्ता की सुविधा उनको इतना प्रेशर क्रिएट कर दिए, सत्ता की सुविधा में इतने दबाव में, दुविधा की भाषा भागवत जी बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का जो जन्म है ईश्वर ने नहीं किया, पंडितों ने किया। फिर अगले दिन कह रहे हैं पंडित ब्राह्मण नहीं है, तो पंडित है ब्राह्मण नहीं है, पहले वही स्पष्ट कर दें, मोहन भागवत जी पंडित हैं कि ब्राह्मण है। और अगर वो पंडित हैं तो आरएसएस जो है मुख्यालय है, अब उनको आज बोध हो गया है, तो आरएसएस के जो प्रमुख पद है सरसंघचालक जी का, उसकी लिस्ट अगर देख लीजिए तो रज्जू भैया सहित ठाकुर ब्राह्मण दो ही जातियां रही है। तो अब वो पिछड़े आधी आबादी दलित को कब उसके सहभागिता देंगे, पहले वही घोषणा कर दें। अगले मेहमान को लेता हूँ, अभी आपने इतनी बातें कही, तमाम कमियां बताई हैं, तो फिर आप लोग ये मुद्दे लेके क्यों नहीं आते, या फिर क्यों रामचरित मानस के मुद्दे को उठाए हुए हैं? मानस के प्रति हमारी आस्था है। अच्छा। उसमें कोई संदेह नहीं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व क्लियर कर चुका है, लेकिन हर एक सुन लीजिए हर देश में जी देखिए, अगर सामाजिक न्याय, नस्लवाद, रंगभेद की बात करेंगे तो जो लड़ाई होती है, जो हम आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो रियल में दलित भाइयों के साथ हुआ है इस देश में, जो काले लोगों के साथ दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र में हुआ था, सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है, तो वहां मार्टिन लूथर किंग की भाषा सुनिए, और उसके प्रति केनेडी जैसा एक उदार व्यक्तित्व दिखाने की जरूरत है। जी, ठीक है, हमला करने की जरूरत नहीं, सिविल राइट मूवमेंट को उन्होंने उसको स्वीकृति देते हुए उनको बराबरी का अधिकार दिया। ठीक है, विनय कुमार पटेल प्रवक्ता, आप क्या राय है? और आप तो लगातार संघर्ष करती रहती है आपकी पार्टी, और लगातार अडानी मुद्दे पर भी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। गौरव जी देखिए, जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो ये दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें कंपटीशन चल रहा है। इस देश में दो लक्ष्मी गणेश का कंपटीशन नहीं लड़ रहे हैं, इस देश में दो राष्ट्रीय दामाद हैं। अच्छा। एक कांग्रेस के दामाद थे राहुल वाड्रा जी, जो कि रजिस्टर्ड हैं,
और एक भारतीय जनता पार्टी के अनरजिस्टर्ड दामाद जो अडानी आज उभर के आए हैं। अच्छा, तो कांग्रेस जब तक सरकार में थी तब तक अपने दामाद जी को हरियाणा में 1 रुपए स्क्वायर फीट 1.5 रुपए 30 पैसे स्क्वायर फीट पे जमीन दिया करती थी क्योंकि वो रजिस्टर्ड थे। अच्छा। लेकिन मोदी जी ने कहा अरे आपने क्या किया, अब हम इनको इनको अंतरराष्ट्रीय दामाद बनाएंगे। क्या बात है? और इन्होंने भी 1 रुपए 1.5 रुपए 1 रुपए 1.5 रुपए स्क्वायर फीट में जमीने दी। आप मुझे बताइए कोई व्यक्ति जिसकी जिसकी संपत्ति, एक मिनट विवेक जी, जब तक आपने बोला आप सीनियर साथी हैं, मैं एकदम शांतिपूर्वक बैठा था के लिए बताइए किस नेता का दामाद बता रहे हैं आप, किसकी बिटिया आपने अडानी से ब्याह दी हमारे, आप मंत्री को आप आतंकवादी कहते हैं, आपने किस भाषा का प्रयोग किया, आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं, आपके नेता इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को जाके आतंकवादी कहते हैं। विवेक जी आप जब तक बोल रहे थे मैं शांत बैठा था, अभी आप भाषा का प्रयोग, आपकी बारी आएगी, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी, जो समस्या आपको आएगी, जो समस्या है आप अपने समय में बोलिएगा। किसकी बिटिया का ब्याह करा रहे हैं आप बताइए। विवेक जी मैं ये गौरव जी मैं जानना चाहता हूँ, संपत्ति 2014 में 63,000 करोड़, 2018 में 69,000 करोड़, 2020 में 11 लाख करोड़ और 2022 में 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। और उसी कंपनी को आप 2.5 लाख करोड़ का चंदा दे देते हैं, उसी कंपनी का आप 84,000 करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, पाताल से लेके आसमान तक, पाताल में चाहे गैस हो चाहे कोयला हो उसका टेंडर आप अडानी को दे देते हैं, आप बिजली दे देते हैं, आप सड़क दे देते हैं, आप आसमान में जाइए तो आप जहाज दे देते हैं। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में और कोई उद्योगपति नहीं बचा। अच्छा। और एक ऐसी कंपनी को देते हैं। हाँ। जिस कंपनी का मालिक गौतम अडानी 2007 में जेल काट चुका है। अच्छा। जिसका भाई राजेश अडानी 2019 में और 2010 में 38 फर्जी कंपनियों मार्सिस जैसे देशों से लाकर उसका शेयर खरीद कर घोटाला करने के आरोप में जो कंपनी बैन हो चुकी है, जिसके राजेश अडानी जेल जा चुके हैं, ऐसे व्यक्ति से आपका क्या नाता है? और माननीय प्रधानमंत्री जी आज राज्यसभा में भाषण दे रहे थे, मैंने तो 1 से 1.5 घंटे उनका भाषण देखा, 1 से 1.5 घंटे में उन्होंने शायरी पढ़ने के अलावा कुछ कहा ही नहीं जी। इस देश में राहुल गांधी को अपने यात्रा से कुछ पता नहीं चला मैंने क्यों किया, और पिछले 9 सालों से क्या भाषण देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और घर जाते हैं उस भाषण को वो भूल जाते हैं। उन्होंने आप मुझे बताइए एक भी मुद्दे पे बात की हो? आज 14 दिन से पूरा विपक्ष अडानी के ऊपर सवाल करने पर कर रहा है कि आप उस मुद्दे पर बात करिए। लोगों को उम्मीदें थी कि जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा, महाघोटाला हो रहा अडानी का, उस पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और अपना जवाब देंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ शायरी पढ़ रहे हैं। आप लोकसभा और राज्यसभा में खड़े होके इतने बड़े पद पे हैं, आप इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, इस देश के 140 करोड़ जनता आपसे एक उम्मीद रखती है कि आज आपका बयान आएगा, आप राज्यसभा लोकसभा में भाषण देंगे, आप 1.5 घंटे जाते सिर्फ शायरी पढ़ के चले आते हैं। अच्छा ठीक है दिलीप हर्षवर्धन, दिलीप भाई कैसे देखते हैं तमाम बयानों को, क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यानी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक विपक्ष के रूप में मुखर हो गए, इसलिए बयान दिए हैं, पर जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया है, कैसे इतने बयानों को, और क्या स्थिति होनी चाहिए जिसमें राजनीति को लेकर जिस तरह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या मायने हैं जी? म्यूट है, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही, उसे कहिए अनम्यूट करें, अरे कहिए अनम्यूट करें अपने आप को भाई। हाल की जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के शब्द इस्तेमाल किया कि वो इस नंबर के थर्ड हैं जी, मैं इस बात पर थोड़ा विरोध करता हूँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री वो व्यक्ति तक हो सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं हो सकता है, और वो व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठा है तो उसको थर्ड नहीं कहा जाना चाहिए। गौरव जी थोड़ी दूसरी बात, विवेक जी ने कहा कि आदरणीय योगी जी जो है वो संत है, इस बात को भी मैं समर्थन नहीं देता हूँ।
विभक्त होता है वो शासक भी हो सकता है और जो शासक है वो संसद भी हो सकता है, संसदीय परिभाषा। जी तीसरी बात जो राहुल गांधी विपक्ष अगर आज की डेट में हम राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो कांग्रेस ही एकमात्र विपक्ष है, दूसरा कोई विपक्ष नहीं है। अच्छा। और अगर विपक्ष संसद में कोई सवाल खड़े कर रहा है तो सर धर्म और सरकार का धर्म है जो सवाल का जवाब दे और सार्थिक जवाब दे। सवाल चाहे देश के नेता को लेकर के हो, सिस्टम को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, इकोनॉमी को लेकर के हो, कानून को लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के हो। अडानी जी सिस्टम है कि जब प्राइम मिनिस्टर फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो देश के बिजनेस का एक डेलीगेट उनके साथ डेलीगेशन उनके साथ जाता है, तो क्या अडानी जी जैसे बिजनेस मैन जिसका डेलीगेशन खराब प्रधानमंत्री साथ जा रहा था और जहां जा रहा था वहां भी बहुत कुछ मिल जा रहा, जहां काम हो रहा था वहां तो अडानी जा रहे थे जी। और अडानी 20 साल से बिजनेस में हो गए, हो सकता है 50 साल से बिजनेस में हो, 55 साल की तो उनकी उम्र है, 20 साल के बाद 35 साल की हो गए, 35 साल पहले उनकी उम्र नहीं थी और पूरी दुनिया अडानी को नहीं जानती, भारत में अडानी को नहीं जानता था, बच्चा बच्चा बिल्कुल नहीं जानता था। अडानी नाम जो है पिछले 3-4 सालों में रहा है और आप पिछले के बाजार में चुके वर्ल्ड के नंबर में आ गए, ये कोई आसान बात नहीं है और ये आसान भी नहीं है और ये संभव भी नहीं। ठीक। अडानी के पहले देश में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बड़े नाम है जो दशकों से नहीं कई मतलब अर्धे से बिजनेस कर, लेकिन वो फायदा तक नहीं पहुंच पाए जिसको बिजनेस को बिजनेस के तरीके से कर रहे हैं, तो सरकार की आगे सरकार से जाने में उसका कोई मतलब नहीं है, वो बिजनेस देश के कानून के हिसाब से करते हैं, सरकार के हिसाब से पार्टी के हिसाब से नहीं करते। जो व्यक्ति सरकार और पार्टी के हिसाब से बिजनेस करेगा उसकी ग्रोथ ऐसे ही होगी, ग्रोथ होना ये अच्छी बात है, सरकार के लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, देश की जनता के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्रोथ में पकड़ है तो ग्रोथ में गैप है, उस ग्रोथ में कहीं नीचे गैप है तो वो गैप इस देश की जनता के लिए सबसे ज्यादा घातक है, तो अडानी की चीज में हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि जो हिंडनबर्ग का मामला है पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक सच्चाई है इसमें, सच्चाई नहीं होती तो आरबीआई ने सारे बैंकों से लोन का रिकॉर्ड नहीं मांगा होता, सच्चाई नहीं होती तो एकदम से शेयर प्राइस नहीं गिरे होते, सच्चाई नहीं होती तो खुद अडानी ने शेयर ब्रोकरों का जो पैसा शेयर पैसा था वो वापस करने की बात नहीं कही होती जी। ये सारी बातें बताती है कि बात में सच्चाई है और अडानी की ग्रोथ में वो सत्यता नहीं है जो सत्यता कागजों में आप लोग। अच्छा ठीक है दिलीप भाई, भाई आप क्या जवाब दे रहे थे युवराज सिंह यादव की बात पर और विनय पटेल की बात पर, बोलिए। देखिए गौरव जी, जी जिस तरह की बात कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं या हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, दिलीप जी कह रहे हैं, दिलीप जी 29 वर्ष पहले अडानी को मुद्रा एयरपोर्ट दिया गया था 1994 में। अच्छा 29 वर्ष पहले, ठीक है 2023 है आज के समय में जी, और 1994 में दिया गया था, सीधे सीधे जोड़ लीजिए 29 वर्ष पहले जी, तो जब मुद्रा एयरपोर्ट दिया गया होगा तो अडानी खेत में हल तो नहीं जोत रहे होंगे, अच्छा कुछ ना कुछ कारोबार कर रहे होंगे, कुछ हैसियत होगी तभी दिया हो गया होगा जी। एक विषय दूसरा दिलीप जी ने जो कहा कि आरबीआई ने ना किया होता वो अडानी ने, अब आरबीआई ने अगर किया तो कह रहे साहब ये ना किया होता, ना करता तो कहते कि आरबीआई ने कुछ किया नहीं, ये तो दिलीप जी की बात का जवाब हो गया। ठीक। अब युवराज जी की बात का जवाब जो इन्होंने इतना विषय उठाया, देखिए राहुल गांधी को हम कभी गंभीरता से ना तब लेते थे ना अब लेते हैं, अच्छा और ना देश गंभीरता से लेता है। अच्छा राहुल गांधी अडानी के माध्यम से मोदी जी के ऊपर जो निशाना साध रहे हैं वो कहीं तीर लगने वाला नहीं, अच्छा ना उसका कोई असर होने वाला है। ठीक। विपक्ष मुद्दा विहीन है, शस्त्रहीन है। अच्छा आप इतना हो हल्ला मचाना था आपने मचा लिया, कल ही की डेट में देखा गया कि अडानी के शेयर 20% फिर ऊपर हो गए। अच्छा मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, ना तो LIC का पैसा डूबा, ना SBI का डूबा, ना सरकार ना सरकार ने कोई लोन दिया अडानी को जी, और ये कहते साहब अडानी जाते साथ उनको कारोबार मिल जाता, कोई भी कारोबारी अगर किसी शिष्टमंडल का हिस्सा बन करके विदेश दौरे पे जाता है, अरे दिलीप भाई ये कह रहे थे कि उन्हें क्यों मिलता है, बाकी और भी तो है, नहीं ये तो बता रहे हैं ना कोई लोन नहीं दिया। अच्छा। सरकार ने कोई लोन नहीं दिया, बताइए ये 2.5 लाख और जहाँ सरकार ने कोई लोन नहीं दिया, पहले बात समझ लीजिए, सरकार ने अगर लोन नहीं दिया 2.5 लाख तो नहीं जानते, तो ज्ञानवर्धन लोन का लेते हैं, दूसरी दूसरी चीज जी
जो भी हिस्सा बन के जाते शिष्टमंडल का, कोई भी व्यापारी कोई भी उद्योगपति अपने कारोबार उद्योग को बढ़ाने की गरज से ही जाता है, वो देशाटन करने या हज करने नहीं जाता। अच्छा, ये हज के बाद मानना क्यों ले रहे हैं जो ये भाषा समझते हैं। अच्छा, तो अब वो गया है, जब भाई हज दी आपकी बात, अब वो गया है तो कारोबार पाएगा, बोल लीजिए, रुक जाए, घूमने चले गए, हज के बाद क्यों ले रहे हैं, आप देशाटन करने में दोनों संभव किए हैं मुसलमान, तो वो कारोबार किया। अच्छा, सारी जितने भी उन्हें मिले हैं कारोबार, वो टेंडर प्रक्रिया के तहत मिले हैं। अडानी स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर स्पष्ट कर चुके हैं कि हम बिना बिड प्रोसेस के कोई काम नहीं लेते। अच्छा, सारी चीजें, और हम चलिए हमने दे दिया, हमने दिला दिया, राजस्थान में भी हम दिलाने गए थे क्या? अच्छा, ये विनय जी की बात का जवाब है। अच्छा, अब हमारे मित्र जो आम आदमी पार्टी के बड़ा दामाद बता रहे थे, पहली बात, इतने बड़े डिबेटों में इतने बड़े चैनलों पे इस तरह की भाषा की मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। अच्छा, आप चलिए रावत बडेरा को उनका जीजा बता रहे, समझ में आता है भाई है। अच्छा, हमारे अडानी को आप किसकी बिटिया बता दे रहे हैं जी, आप बताएं। तो आप एक शब्द बोल क्यों नहीं रहे उनके? नहीं, नहीं, रुक जाए, रुक जाए, हम क्यों बोले? नहीं, अच्छा, आपकी हम पार्टी क्यों बोले? आप सरकार में है, 140 करोड़ लोगों ने आप पर भरोसा किया है। जब 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 पार्टी घाटे में जा रही है, पार्टी घाटे में, अच्छा, पूरी जब, पूरी जब, की पूरी कंपनी डूब जा रही है, तीसरे नंबर से 20वें नंबर पर आ गया, और आप कह रहे हैं कि आपके पास जवाब सुन लीजिए। जब उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दे दिया कि अडानी से हमारा कोई लेना लादना नहीं, जेपीसी की मांग का क्यों कर रहे हैं, रुक जाए, वित्त मंत्री ने कह दिया कि अडानी से हमारा कोई लेना लादना नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटियां उसको देख रही है, आरबीआई है, सेबी है, एनएससी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर इन संवैधानिक संस्थाओं में कोई फेल होती है तो उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, इसी तरह अडानी स्वयं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भारत की सक्षम संवैधानिक संस्था है। अच्छा, सारे दस्तावेज तलब करेगी, उस पर भारत सरकार भी सहयोगी के रूप में उपस्थित रहेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन भारत सरकार ही कराएगी। तो ऐसे में सरकार कहाँ रही है? अब रही बात, ये कहते हैं सरकार ने लोन दिया, सरकार ने लोन दिया, मैं आज भी आपके माध्यम से स्पष्ट करूं, सरकार कभी न लोन देती है, न सरकार ने एक रुपए लोन दिया है। लोन अगर दिया तो स्टेट बैंक ने दिया, LIC ने दिया, कितना दिया अपने, उसका 0.09% दिया। अच्छा, उससे न LIC की सेहत पर कोई असर है, न SBI की सेहत पर असर है, न अडानी का कुछ बन बिगड़ रहा है। 11.5 करोड़ डूब गए, वही तो मैं कह रहा हूँ, भ्रम भ्रम फैलाने के लिए इतना हल्ला मचा ले। ये कहते साहब JPC बना दो, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि विपक्ष को भारत की जनता ने बेरोजगार रखा है, हम भी ने बेरोजगार रखे, मैंने कोई रोजगार देने नहीं जा रहे JPC बना करके। अच्छा, ये बेरोजगार थे, हैं और आगे भी पैदल रहेंगे। अच्छा भाई, कहाँ पर वे बेरोजगार है? पंजाब में आ गए हैं, दिल्ली में MCD दिल्ली का जीत चुके हैं, गुजरात के पास मैं जवाब दे दूं, खाता खोल लिया है, बेरोजगार कहाँ भाई? विवेक भाई, गुजरात में तो सरकार बना रहे थे। अच्छा, कंसोलेशन प्राइज पाके लौटे हैं। अच्छा, पर्ची लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, हिमाचल से भाग खड़े हुए। अच्छा, तो ये जो ये आम आदमी के बल पे ही ये जीते हैं। अच्छा, ये वो नहीं टूटके चलते, पार्टी तो जहां भी जाती है कांग्रेस को जिताने भराने की सरकार तो आप भी बंगाल में बना रहे हैं, अभी इन्होंने कांग्रेस को भाजपा, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूंगा, इनके राजी पूछ लीजिए, आम आदमी के सवाल का जवाब दे देता हूं। नीतिगत निर्णय आप बता दीजिए कि ठीक है, राहुल गांधी ने जो उदारवाद पे हमला किया, लोक कल्याण कहिए, समाजवाद कहिए, जनहित कहिए, या हाशिए के गांव, गरीब, किसान, जल, जंगल, जमीन, आदिवासी, पिछड़े, दलित, आधी आबादी, अकलियत का आवाज उठाएं, तो वो चाहे आप जो नाम दे दीजिए, सवाल ये है कि हमारी आइडियोलॉजी ठीक, हम समाजवादी हैं, इनकी आइडियोलॉजी ठीक है कि ये उदारवाद के प्रबल पक्षधर, इन्होंने खुद कहा है कि DRDO से उत्पादन आप कराते थे, ये विवेक भाई ने कहा। अच्छा, हमने रास्ता खोल दिया, ये महापथ उदारवाद का खोल दिया देश के प्रतिरक्षा पे, ठीक है, ये भी गर्व की बात है इनके लिए, सुनिए, ये उदारवादी है, हम समाजवादी मूल्यों के हैं। राहुल गांधी जी अगर नेहरू जी के ट्रैक पे लौटना चाह रहे हैं, जिसमें अगर इंदिरा जी रहती तो ये अडानी का राष्ट्रीयकरण हो जाता, क्योंकि ये कोयला, और कोयला का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जमींदारों का उन्मूलन हुआ था, उससे बड़े नहीं है, लेकिन उनके पास वो उनका जवाब होगा। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के हमारे युवा बड़े तेवर में है, पहले तो इनको शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, ये बता दें कि इनकी आइडियोलॉजी आर्थिक है क्या? अच्छा, समाजवाद की है, गांधीवाद की है, उदारवाद की है, या क्या है? जरा बता दें तो हम लोग इनका समर्थन करें। मैं पहले विवेक जी के सवालों का जवाब दे देता हूं, जल्दी बोलिए। इन्होंने कहा लोन सरकार ने नहीं, बैंकों ने दिया है, ठीक। 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जी, उसके बाद अडानी ग्रुप में ने कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा। अच्छा, फिर हिंडनबर्ग ग्रुप ने कहा कि हाँ ठीक है, आप कोर्ट जाइए, मुझे और तथ्य मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि वो विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, भारत को बदनाम कर रही है, तिरंगा ओढ़ के ये लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अमेरिका की एक कंपनी है निकोलस,
2020 में निकोलस की कुल संपत्ति थी $37 मिलियन। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद वो कंपनी गिरते गिरते आज उस कंपनी की स्थिति हो गई कि आज उसकी कुल संपत्ति है 1.3 मिलियन। ठीक। और वही चीज मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, जो 250 करोड़ बैंकों से आपने लोन दिलवाया, आप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, उद्योगपति प्रधानमंत्री जी के साथ जाता है, प्रधानमंत्री जी के साथ जाता है, भाई श्रीलंका के प्रधानमंत्री से बिजली का व्यापार कराने के लिए अडानी से किसने सिफारिश की थी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि बैंकों ने दिया, बैंकों ने दिया, आप 250 करोड़ रुपए जो बैंकों ने अडानी को दिया है, अगर वहां अगर निकोलस की कंपनी बर्बाद हो सकती है और यहां पे अगर ये अडानी ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, जो 250 करोड़ बैंकों में, LIC में और स्टेट बैंक में और PNB में लगा है गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, वो पैसा अगर डूब जाएगा तो पैसा क्या भारतीय जनता पार्टी के खाते से आएगा या नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो फकीर हूं उनके पास कुछ है ये नहीं है तो देंगे ना, ये 250 करोड़ रुपए आएगा कहां से? और इस सवाल पर एक भी सवाल देने को तैयार नहीं है भाजपा के मित्र। अच्छा जयप्रकाश भाई बोल रहे थे बिना भाई की आप लोग आइडियोलॉजी क्या था कि एक अच्छी चीज इन्होंने विनय पटेल ने उठाई कि रियल में चलिए सरकार कुछ नहीं करती है लेकिन निश्चित रूप से सरकार जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है या हमारा केंद्रीय बैंक RBI है उस पे एक बहुत नियंत्रक भूमिका रहती है जी। और जिस उदारता से अडानी के शेयर के गिरने की प्रक्रिया में हो या शुरुआती सपोर्ट में हमारे पब्लिक सेक्टर के LIC और SBI का पैसा लगाया गया जी। जब हमारे पब्लिक सेक्टर की सांसें उखड़ रही थी तो इस उदारता से पब्लिक सेक्टर ने क्यों नहीं उनको सपोर्ट किया, खरीदा या फंड उपलब्ध कराया, पहली बात। दूसरा, इन्होंने ये सही कहा कि हिंडनबर्ग ने कहा कि अगर आपको मुकदमा करना है सरकार जल्दी करिए, इसी बहाने आप कुछ अदालत में एविडेंस दे देंगे, फिर ये चुप हो गए। इसके बाद ये आज तक नहीं गए, इतना बड़ा कहर बरपा हो गया है। अगर रियल ये जैसा वो हमारे राजनीतिक विश्लेषक मित्र भी कर रहे थे हर्षवर्धन साहब कि अगर सच्चाई रहती तो अब तक जो राहुल गांधी केवल भाषण दे रहे थे इनके सांसद ये कहने लगे कि अरे विशेषाधिकार हनन करो, ये क्या कर दिया, बोल कैसे दिया, यूपी में रहता तो बाबा के बुलडोजर गरज जाते। अगर इस लिहाज से इसी सदन में लोहिया जी सतना से गोबरी का अन्न लेके गए थे और नेहरू जी को कहे थे कि हम भी खाएं आप खाइए और हमारे किसानों की आय 3 आना है, नेहरू जी 15 आना कहते रहे और उन्होंने कहा कि आपके प्रतिदिन की आय 25,000 रुपया है, हमारा गरीब 3 आना में गुजारा करता है और आज इस फकीर की तथा कथित फकीर जो 3 ड्रेस 15-15 लाख का बदलता है, आप ये आज अगर देखिए सुन लीजिए वही कहते हैं, हम नहीं कहते, हम तो हमारे आदित्य शब्द ही नहीं कहते, लेकिन वो जो 25,000 और 3 आना की बहस है, अगर लोहिया जी आज रहते तब तो हमें लगता है बाबा का बुलडोजर उनका घर गिरा देता और उनपे पता नहीं लग जाता। ये लोग तो बोल अभिव्यक्त की आजादी असहमति के स्वर को ही राष्ट्रद्रोही घोषित कर पटेल और जयप्रकाश पांडे की बात कर। देखिए गौरव जी, जी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस विषय को ये कह रहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, पहली बात तो हिंडनबर्ग को इस रिसर्च के लिए धन कौन मुहैया कराता है, हिंडनबर्ग की इस तरह की रिपोर्ट का आधार क्या है, भारत विरोधी ताकतें, नहीं रुक जाइए, जिस तरह जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का समय है, जिस तरह से G20 की मीटिंग संभावित है, भारत दुनिया में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खराब गलत है तो इतना आपको सफाई क्यों देना, हम क्यों सफाई दे इस पे, ये बोलने का विषय अडानी का है क्योंकि ये सरकार को घेर रहे, क्यों यहाँ पर निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री को बोलना पड़ रहा है, भाई बिल्कुल, जब आप सरकार RBI को बोलना पड़ रहा है, जब सरकार रिपोर्ट गलत है तो RBI ने अडानी को जो लोन दिए गए उन बैंकों को पत्र जारी किया है कि आप अपने एसेट देख लीजिए किस पे आपने दिया अडानी है। से कोई लेना ही देना अडानी नहीं है, ये बात और है कि उसकी हवाई जहाज में बैठ के टहलेंगे, ये बात और है कि ये श्रीलंका में जाके उसको देखिए पाने के लिए भ्रम पैदा करेंगे, ये बात और है, लेकिन इनका अडानी से कोई लेना देना नहीं, अडानी से इनका कोई लेना देना नहीं, भारत की तारीख में इतना बड़ा घोटाला। अब यह दमन बता रहे थे बोला लेना देना नहीं है, भाई एक बात बताइए ना, अभी आप अंतर्राष्ट्रीय दमन बता रहे थे, अडानी से कोई लेना देना नहीं, ये बात और है की अडानी के जहाज में कभी घूमते थे, आज अडानी इनकी जहाज में घूम रहा है। अच्छा। ये बात और है कि ये श्रीलंका में जाके उसको बिजली का टेंडर दिलाते हैं और कहते हैं कि मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये जहां जाते उसके 3 दिन बाद अडानी पहुंच जाते हैं, वहां से व्यापार करते हैं, ये कहते हैं मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं है। ढाई लाख करोड़ का लोन ये अडानी को दिलवाते हैं, कहते हैं मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं है। जिस अडानी की संपत्ति 13,000 करोड़ थी 2023 में, आप समझिए 85% संपत्ति बढ़ी है पिछले 3 सालों में। अच्छा। 2020 में आप सीधे भाषा में समझिए, अच्छा। 2020 में जिस व्यक्ति के पास 15
रुपए था, आज उस व्यक्ति के पास 100 रुपए है, 3 सालों में 85 रुपए बढ़ी, 85 रुपए। अच्छा, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस आप करवा रहे हैं? फर्जी तरीके से अपने शेयर को मोलिप्रेट करा के और उसके बाद उसको आप लोन दिलवा रहे हैं बैंकों से। आप कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अभी विपक्ष के नेताओं पर, अभी विपक्ष के नेताओं पर इनको ईडी सीडी और सीबीआई लगानी होगी, तो वो गाय और भैंस को खोजने में लगा देंगे उसको, आप गाय और भैंस खरीदने में। सोमनाथ भारती के कुत्ते को पकड़ने के लिए 500 पुलिस उन्हें भेज दिया। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको अडानी से कोई लेना देना नहीं है, अगर अडानी से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्यों उसकी जांच कर रहे हैं? हमसे बड़ा देशभक्त कोई है नहीं। और जब मलाई खाने की बात आएगी तो महबूबा मुक्ति जिसके छत से नारे लगते थे अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, उसके साथ बैठ के 3.5 साल मलाई खाने का काम करेंगे और बताएंगे सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। अच्छा, जल्दी जवाब दीजिए। युवराज सिंह यादव दोनों जिलों ने तमाम सारे और सुनिए तमाम सारे समय का पूछ लीजिए जी। हाँ। ये पूछ लीजिए कि वैसे तो हम समाजवादी हैं, तो मैं बड़ व्यवस्था के सैद्धांतिक रूप से पक्ष में नहीं रहता। अच्छा। लेकिन बार बार राहुल गांधी जी के मतलब ये है कि अब्बा हुजूर तक, बाबा हुजूर तक जाके कहें कि वो कयामत के लिए आराम करें कब्रिस्तान में। इस्लाम में माना जाता है कि वो आदमी दफन नहीं होता, कयामत में जागेगा। पारसी सुनिए, अगर वो पारसी रख के मजाक का विषय हो सकते हैं, तो इनकी जो सबसे बड़ी फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी जी, अच्छा, उनको ये क्या कहेंगे? अच्छा, उनके पति देव या उनके ससुर जी जहाँ दफन होंगे, भगवान करे वो भी जिंदा हो, ससुर जी के पिताजी कोई ना कोई मरा मृतलोक में जी, तो वो जहाँ दफन होंगे उनको भी ये कहेंगे कि स्मृति ईरानी के हुजूर। मुझे मुझे सारे सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से ले लीजिएगा, सारे सारे विषयों को उत्तर दे दूंगा जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा जल्दी समय। इन्होंने जिन जिन विषयों को उठाया विनय जी ने जी, सरकार ने नहीं दिया वो कारोबार पा गए। हाँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ भी उद्योगपति जाता कारोबार के सिलसिले में जाता, उसे कारोबार मिला, ये उसकी अपनी क्षमता है। सरकार इसलिए ले जाती साथ में अपने उद्योगपतियों को इंट्रोड्यूस कराती है, उसको वह मौका मिलता है, उसका कारोबार बढ़ा। आपको उसके बैलेंस शीट के बढ़ने पे कोई समस्या है, आप इनकम टैक्स में आरटीआई दाखिल करिए, आप सेबी से पूछिए, आप एनएससी से पूछिए, आपको जहाँ जाँच करना करिए। अब रही बात, आप कहते अगर हमारे ऊपर होता तो हमें भेज देते, बिल्कुल भेज देंगे। अगर हमारे पास कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जिसको मौका मिलेगा उसको भी जेल। आया तो है शिकायत, का शिकायत आया है, भेजिए ना, आप दस्तावेज दीजिए, भेज दीजिए, आप दस्तावेज क्या दें? श्रीलंका का प्रधानमंत्री सदन के अंदर कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश आई थी टेंडर देने के लिए, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? कोई दस्तावेज महा घोटाले पर आप बोल ही नहीं सकते, कोई दस्तावेज आपने बोला, मुझे उत्तर दे ले दीजिए, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, बताइए। और जो हमारे जयप्रकाश जी ने जो विषय उठाया, देखिए स्मृति ईरानी कभी अपने आप को ये नहीं बताती कि नहीं मेरा गोत्र फलाने में दत्तात्रेय गोत्र से हूँ। अच्छा। राहुल गांधी बताते नहीं सकते कि मेरा दत्तात्रेय गोत्र है। हाँ। और उनके बाबा हुजूर वहां पारसी कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस पे भी कांग्रेस बता दे। राहुल गांधी से ज्यादा और रुक जाइए, हाँ। बिंदी लगा के आती है मंदिरों में। अरे भाई भारतीय ड्रेस पहनना कोई पाप थोड़ी है? गांधी एक बार टीका लगा ले, टीका भाई हम टीका लगाने टीका मेरी बात समझिए भाई, हम ये नहीं वो अपना अपना गोत थोड़ी बताती फिरती है भाई। आप मेरी बात समझिए जयप्रकाश जी, भारतीय है, भारतीय होना क्या गर्व का विषय नहीं? तो भारतीय है तो आप धार्मिक विषय टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी पारसी होकर के हमारे योगी आदित्यनाथ जी को संत की जगह ठग बता रहे हैं, धार्मिक विषयों पर टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदू हिंदुत्व की अलग परिभाषा कर रहे हैं, इनको 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 इस पर टिप्पणी करने क्या अधिकार है? राम भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताते हैं, इनको इनको क्या अधिकार है इस पर टिप्पणी करने का? विदर्भी का इनकी हैसियत है कि इस्लाम के किसी नेता को टिप्पणी कर सकते हैं? सुनिए, एक अगर शंकराचार्य को पढ़ लीजिए, ठीक है, ब्रह्म सत्यम, ठीक है, भाई युवराज सिंह यादव प्रवक्ता कांग्रेस, जवाब दीजिए भाई, लगाते ठीक है, जयप्रकाश भाई होने दीजिए, ठीक, युवराज सिंह यादव जी। गौरव भाई मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा आपसे कि भाई इसका डिबेट का मतलब ये नहीं है कि स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं बस आप उनसे ही सवाल जवाब करते रहे जी, और अगर ये सवाल जवाब कराना है तो आप उन्हीं से करा सकते हैं फिर। बोले समय आपको है, फिर बोलिए समय आपको है।
जी जी, अब मैं आता हूँ मुद्दों पे। देखिए गौरव भाई, है क्या कि जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से ये आर्थिक नीतियों पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। अच्छा। चाहे इनकी नोटबंदी हो, चाहे वो गलत जीएसटी हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमने वो दौर भी देखा जब पूरा देश आर्थिक बहुत पूरी तरह से आर्थिक तौर पर गुजर रहा था। 27 करोड़ लोग जी गरीबी रेखा में पहुंच गए, लेकिन वहीं पे क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति जो 609 नंबर पे था वो लगातार उसकी इनकम बढ़ती जा रही थी और वो आके पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे रईस व्यक्ति बन जाता है। आप कर लिया भाई। आप अगर ये कहें कि नहीं आप इसको मिला के देख नहीं सकते, अरे भाई ऐसा जादू हो सबसे रहा था कि पूरे देश की जहां पे इनकम कम हो रही थी और कुछ प्रधानमंत्री के चुनिंदा व्यक्तियों की इनकम लगातार बढ़ती जा रही थी। गौरव जी, ये अदानी का और मोदी जी का मिला जुला भ्रष्टाचार है। अच्छा। और इसी वजह से ये भाजपा सरकार मोतीलाल नेहरू के बाप नौकरी करते थे और आज मोतीलाल नेहरू के बाप नौकरी करते थे, अदानी के मुद्दे पे संसद में कुछ बोलेंगे, लेकिन वो अपनी आदत के अनुरूप आज भी जो उन्होंने 9 साल से लगातार की आदत है वो संसद पहुंचे और संसद में भाषण देके खत्म करके आ गए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लोग जवाब जान के रहेंगे, मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। दिलीप हर्षवर्धन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिलीप हर्षवर्धन आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद दिलीप भाई का संपर्क कट गया। विवेक भाई, आप कुछ कह रहे थे युवराज सिंह यादव की बात पर, कुछ बोल रहे थे आप? देखिए युवराज सिंह जी के मैं जवाब ही दे रहा हूँ। बहुत से उद्योगपतियों के ऐसे उदाहरण हैं गौरव जी, जो अपने जीवन काल में ही अपने सर्वोत्तम उच्चता तक पहुंचे हैं। अच्छा, 3 साल के अंदर कोरोना के समय कैसे पहुंच गए? ऐसे बहुत से उदाहरण है देश में। अच्छा। दुनिया में। अच्छा। ठीक, चाहे आप रतन टाटा के परिवार में चले जाइए, जमशेद जी टाटा अपने जीवन काल में ही टाटा को वहां तक पहुंचा पाए थे। इसी तरह बिरला खानदान का भी उदाहरण, तमाम ऐसे उदाहरण है जिसमें जो उद्योगपति जमीन से फर्श से अर्श तक अपने आप को ले आया, ऐसे बहुत से उदाहरण है। इसी तरह धीरूभाई अंबानी का भी उदाहरण है। धीरूभाई अंबानी को भारत सब जानते, पेट्रोल नापते थे और उतना बड़ी उन्होंने जामनगर रिफाइनरी बनाई, ऐसे बहुत से उदाहरण है। इनका दर्द ये है सिर्फ कि अडानी गुजरात से है। अच्छा। क्या उनकी मोदी जी से कोई दोस्ती है? उस पे उनको टारगेट किया जाए, उस टारगेट के पीछे कुछ हम मोदी जी के ऊपर छींटे उछाल पाए। हाँ। चोर को सब चोर नजर आते हैं। ये कौन सी बात है? कौन चोर है भाई? रुक जाइए, माँ बेटा दोनों जमानत पे हैं। अच्छा। इन्होंने परसों कहा हम दो हमारे दो, पूरा देश बेच दो। अच्छा। सत्यता ये है कि हम दो हमारे दो, हमको बेल दो। अच्छा। दोनों माँ बेटा जमानत पे हैं, दूसरे को चोर बताते फिर रहे हैं। अच्छा। जलाल के मामले में अदालत ने इनके ऊपर मुकदमा किया है। जवाब दीजिए भाई। ठीक है, जरा वो जो जैन आपका मसाज करा रहा तिहाड़ जेल में उसके बारे में कुछ बताएंगे? जो आपका जो आज तक कारा मंत्री जिस जो आपका जो कारागार मंत्री जिसको आपने फंस से नहीं हटाया। हाँ। गौरव जी, एक चपरासी भी जेल जाता है। हाँ। तो सस्पेंड हो जाता है। अच्छा। इनका कारागार मंत्री जेल में। हाँ। कारागार मंत्री बना बैठा है। ये संवैधानिक अराजकता फैलाने वाले लोग, कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनाने वाले लोग, ये चलिए आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि जिस तरह से यहाँ पर संसद में बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे और राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद लगातार मुखर नजर आ रहे हैं। हालांकि मुखरता होते हुए उन्होंने तमाम बातें ऐसी कही जो शायद संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए नहीं कहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने मामूली ठग बताते हुए एक बात स्पष्ट कर दी है कि भारतीय राजनीति में शुचिता, संस्कृति और अच्छाई की स्थिति और कल्पना करना अब शायद एक कोरी कल्पना हो चुकी है। भारतीय राजनीति वो राजनीति जो संघर्ष उपजी राजनीति है, वो राजनीति जिसमें जनाधार सड़क पर संघर्ष करते लाठी खाने से प्राप्त होता था। भारतीय राजनीति वो राजनीति जिसकी गूंज पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में है। तो कहीं ना कहीं जब व्यवस्था चलती है तो उसकी तारीफ होती है, पर यहाँ पर तारीफ हो रही है और केवल हो रही है आरोप प्रत्यारोप के दौर की। कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला आम जनता करती है और इसका फैसला देती है चुनाव में।
चुनाव 24 का आने वाला है और जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी। और उससे पहले अगर कुछ मुद्दे जनता के उठा लिए जाए या उससे पहले कुछ राजनीति सड़क पर कर ली जाए तो शायद तस्वीर कुछ और होगी, अन्यथा जो परंपरा चल रही है वो परंपरा चलती रहेगी। राजनीति सोशल पर ना कर कर धरातल पर करिए, थोड़ा लाठी खाइए, तभी संघर्ष में अच्छा लगेगा, और जब संघर्ष में अच्छा लगेगा तभी जनाधार मिलेगा, अन्यथा इस जनाधार की सत्ता की उम्मीद करना विपक्ष छोड़ दे। संघर्ष करते रहिए, चलते रहिए और चलते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।